नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जिस विषय पर, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दोस्तों हम वैसे तो रोज़ पूजा पाठ कितने ज़्यादा करते हैं, ये हम उतना शायद मंत्र वगैरह ये सब कुछ पढ़ के उतना अच्छे तरीके से ना भी अगर कर पाए, तो भी हम जो है कम से कम 2 बार जो है आरती हम ज़रूर करते हैं दोस्तों। तो ये आरती के विषय में ही आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आरती किस प्रकार से करनी चाहिए और आरती किस तरीके से होती है। वैसे तो दोस्तों ये बहुत ही एक बड़ी विषय है, तो इसलिए एक ही वीडियो में पूरी विषय की आलोचना करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज हम सबसे पहले आपसे जिस विषय में बात करेंगे दोस्तों, वो है कि आप आरती किन किन वस्तुओं के साथ कर सकते हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों, वो जो आरती होती है ना, यानी कि आरती हमारे पंच तत्व का प्रतीक होता है, और उसमें से वायु, अग्नि और जल, ये तीन तत्व जो है वो हमारे प्राण के मूल तत्व माने जाते हैं। तो इस वजह से जो है इन तीन तत्व के साथ तो खासकर आरती करनी ही होती है। वैसे हम लोग ज़्यादातर जो संक्षिप्त आरती करते हैं दोस्तों, उसमें धूप और दीप का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि एक धुनजी धूप और पंच दीपक जलाकर आरती करते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम लोग जलपूर्ण शंख से भी आरती करते हैं या फिर जल का छिड़काव करते हैं, यानी कि जल उसमें होता ही है हमारे आरती में, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर परोक्ष रूप में हो। तो इस तरीके से हम जो है दोस्तों आरती ज़्यादातर करते हैं अपने घर पे, और संक्षिप्त आरती ही उसमें होता है। पर जब आप उत्सव या फिर संपूर्ण तरीके से आरती करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि संक्षिप्त आरती करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा या फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया दोस्तों कि जो है ये तीन तत्व जो है, अग्नि, जल और जो वायु, ये तीन तत्व प्राण के मूल तत्व माने जाते हैं। इसलिए अगर आप इन तीन तत्व से भी आरती करते हैं, यानी कि धूप दीप जलाकर आरती करते हैं और उसके साथ साथ जो है ये जल चढ़ाते हैं, ये जल अंजलि जो देते हैं ना दोस्तों, यानी कि जैसे पुष्पांजलि देते हैं, उसी तरीके से आरती से पहले 3 बार जलांजलि भी दिया जाता है। तो उस तरीके से आप धूप दीप से भी अगर आरती करेंगे दोस्तों, तो वो भी आपको संपूर्ण फल मिलेगा दोस्तों। पर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम संपूर्ण रूप से किस तरीके से जो है भगवान की आरती करें। दोस्तों बहुत सारे लोग वैसे तो क्या करते हैं कि केवल दीप से ही आरती कर देते हैं या फिर केवल धूप से आरती कर देते, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप जब भी कर रहे हैं, यानी कि आप अगर धूप आरती भी कर रहे हैं, तो उसमें धूप और आरती का दीपक से ही आरती करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, हमेशा आप देखेंगे कि षोड़श पूजा के उपचार में भी जो है धूप और दीप कहा गया है, यानी कि पहले आप धूप से भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद दीप दिखाकर उनकी आरती करेंगे। ये जो है तमिल भाषा में इसे कहा जाता है ए धूपम दीपम, या फिर धूप आराधनाई और दीप आराधनाई। तो इस तरीके से आरती करना जो है दोस्तों और संक्षिप्त रूप में भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और विस्तार रूप से जब आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप धूप से आरती करें, उसके बाद पंच दीपक जलाकर आरती करें, उसके बाद जो है जलपूर्ण शंख से आरती करें, उसके बाद पुष्प से आरती करें, और उसके बाद पंखा या चांवर से आप आरती करें दोस्तों। अगर आपके पास चांवर नहीं है या फिर पंखा नहीं है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो आम्रपल्लव होते हैं, यानी कि जो आम के पत्ते होते हैं, उससे भी आप जो है दोस्तों आरती कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से, यानी कि पंच उपचार जो है, इससे भी आरती कर सकते हैं, और आप चाहे तो संक्षिप्त तरीके से भी आरती कर सकते हैं दोस्तों। आरती को संपूर्ण पूजा कहा जाता है, यानी कि अगर आप पूजा की किसी भी प्रकार आचार और नियम को पालन नहीं कर पा रहे हैं, विधिवत तरीके से आपको पूजा की अगर किसी भी प्रकार की विषय के बारे में नहीं पता है, तो आप केवल आरती के माध्यम से ही जो है भगवान की पूजा कर सकते हैं, और ये संपूर्ण पूजा माना जाता है। कहा जाता है कि ये आरती अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं ना दोस्तों, तो वो एक तरीके से ये आपको जो है पूजा का संपूर्ण फल प्रदान कर देता है। यानी कि आपको पूजा के मंत्र नहीं पता, अलग से विधि वगैरह ये सब कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता दोस्तों, पर आप सिर्फ धूप और दीप से अगर विधिवत आरती भी करते हैं ना दोस्तों, तो भगवान उस क्रिया से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि ये जो अग्नि क्रिया, यानी कि धूप दीप क्रिया या फिर आरती पंच उपचार से भी अगर आप आरती करते हैं दोस्तों, तो ये भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इस विधि से ही भगवान सबसे ज़्यादा
प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए देखिएगा दोस्तों कि जो भी सारे मंदिर वगैरह है वहाँ पर जो है 4 बार कम से कम दिन में आरती की जाती है। वैसे तो हर बार की आरती में ये सब लोग शामिल नहीं हो पाते हैं, सुबह और शाम की आरती में ही ज़्यादातर लोग शामिल होते हैं, पर जो है 4 बार वहाँ पर आरती की प्रथा है दोस्तों। मंगला आरती, उसके बाद जो है पूजा आरती, भोग आरती और संध्या के समय संध्या आरती। आरती के और भी सारे क्रम हैं दोस्तों, वो हम दूसरे वीडियोस में आपसे आलोचना करेंगे इन सारे विषयों में। पर दोस्तों घर पे जब भी हम पूजा करते हैं तो संक्षिप्त तरीके से धूप दीप से ही आरती हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हर समय उतने साधन नहीं होते हैं कि हम पंच उपचार से आरती करें। तो बहुत लोगों का ये मन में एक सवाल होता है कि पंच उपचार से अगर हम लोग आरती नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमारी आरती जो है वो सही तरीके से जो है वो एक फलदायी होगा? हाँ दोस्तों, बिल्कुल फलदायी होगा, क्योंकि आप लोग धुनची धूप और पंच दीपक जलाकर भी अगर केवल आरती करते हैं तो भी आपका आरती फलदायी होगा, क्योंकि आरती के मूल जो है वो ये धूप और दीप ही है दोस्तों, और बाकी सारे जो भी सारे वस्तुएं हैं ना दोस्तों वो इसके बाद ही प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है पहले ही जल पूर्ण शंख से आरती शुरू करते हैं, तो वो भी एक तरीके से सही नियम नहीं है दोस्तों। हमेशा आरती धूप से शुरू करनी चाहिए और उसके बाद दीप, उसके बाद जल पूर्ण शंख, उसके बाद पुष्प और उसके बाद ही पत्ते या फिर पंखा या चम्मच से दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम देवी पूजा कर रहे हैं तो उसके आरती के विधि अलग होंगे या फिर विष्णु पूजा के आरती के विधि अलग होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आरती सबके लिए ही समान होता है और धूप दीप की आरती जो है आप सभी के लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा हो, कोई भी पूजा हो दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई मनाई इसमें नहीं है, आप हर पूजा में जो है आरती कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये एक धारणा होता है तो वो आनुष्ठानिक कई पूजा में या फिर दीपावली के समय वो सोचते कि आरती करना यानी कि भगवान को जाने के लिए कहना, आरती हमने कर दी तो अब भगवान आप जाइए अपने स्थान पर, तो ये बहुत ही अवधारणा है, ये किसी भी प्रकार की कोई सही धारणा नहीं है दोस्तों। इसलिए इस तरह की ना अपने मन में बिल्कुल ना रखें। कहा जाता है कि आरती करने से आप अगर पूजा पाठ ये सब कुछ करने कर नहीं पाते हैं दिन भर, आप अगर आरती भी करते या फिर केवल आरती दर्शन भी करते हैं ना, तो आपको संपूर्ण पूजा का फल मिल जाता है दोस्तों। इसलिए इस तरह का किसी भी प्रकार की कोई जो है अवधारणा अपने मन में बिल्कुल मत रखिए दोस्तों, और पूरी भक्ति भावना के साथ जो है जितनी भी सामग्री आपके पास है यानी कि धूप से दीप से कम जो है आप आरती ज़रूर करें दोस्तों। और पंच उपचार से आरती जो है हम विशेष विशेष पूजा के समय करते हैं, और अगर आप चाहे दोस्तों अगर आपके पास पंच उपचार मौजूद भी नहीं है तो आप संक्षिप्त तरीके से भी धूप दीप से ही आरती संपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आरती करने के लिए वैसे तो बहुत सारे मंत्रों की ज़रूरत नहीं होती है, आरती मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग उसके पहले वंदना करते हैं। आरती मंत्र बहुत ही सहज और सरल होता है और कोई भी इसे उच्चारण कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा इसमें नहीं है दोस्तों। वैसे बहुत सारे लोग जो है वो आरती करते समय जो है मंत्र का सही तरीके से नहीं बोल पाते, तो वो सोचते कि हमारी आरती भगवान स्वीकारेंगे या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। भगवान आपकी आरती ज़रूर स्वीकारते हैं, क्योंकि भगवान आरती में आपकी भावना देखते हैं। आप अगर आरती का मंत्र जो है पूरी तरीके से प्रयोग में नहीं भी ला पाते दोस्तों, तो केवल जो है आचमनी पात्र से जल लेकर एतश में ये आरात्रि का धूपाय नमक कह के 3 बार उसमें जल का छिड़काव करें, और उसके बाद गंध पुष्प अर्पण करके उसमें आप जो है उस धूप पात्र को निवेदन की भावना से आरती शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और दीपक के विषय में भी बिल्कुल यही है दोस्तों, एतश्मे आरात्रि का दीप मालाई नमक कहकर जो है जल का छिड़काव करते हुए गंध पुष्प अर्पण करके आप आरती शुरू कर सकते हैं दोस्तों दीप से। दोस्तों सबसे पहले धूप से ही आरती करें और उसके बाद दीप से आरती करें, आप एक साथ भी दोनों को जो है इस तरीके से निवेदन या फिर शोधन करके रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ओ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर इस तरीके की छोटे प्रयोग के माध्यम से ही आप आरती कर सकते हैं। आप अगर बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि
जो आरती हम घर पे करते हैं और पंडित जी जो वो मंदिर में करते हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि वो आरती जो है वो भगवान बहुत जल्दी स्वीकारता है और हम घर पे बिना मंत्रों के आरती कर रहे हैं, तो इसलिए शायद ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आरती जो है एक मंत्रहीन क्रिया है, यानी कि आरती में आपकी भावना ही सबसे मूल है दोस्तों। इसलिए आप अगर चाहे तो आप बिना मंत्र के प्रयोग के भी आरती कर सकते हैं, अगर आपके मन की भावना सही है, अगर आप अपनी संपूर्ण मन से जो है आरती कर रहे हैं, भगवान को धूप दीप कर रहे हैं, तो आपकी ये आरती जो है भगवान ज़रूर स्वीकारेंगे और आपको आशीष ज़रूर प्रदान करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया कि संक्षिप्त तरीके से और संपूर्ण तरीके से ये जो है आप आरती कर सकते हैं। संक्षिप्त तरीके से धूप दीप से आप आरती कर सकते हैं और संपूर्ण तरीके से धूप दीप जलपूर्ण शंख पुष्प और चांबर से जो है आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आरती के विषय में आगे भी और सारे वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे दोस्तों, और इसके अलग अलग क्रम के बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है ना दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। साथ में अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके रखें दोस्तों, ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाले वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और नए नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।